Okay, students. Now I am just sending you the playlist of this complete chapter, and I hope so you will observe it also, that each and every part. Also, I am sending you the one of the assignment. Through that assignment, I am selecting here two questions, and through that revision, it is a revision part one of our number system chapter, chapter number one. So I am now going to explain you how to solve these two questions, which is very important to us. Now see here, if the x equals to 3 plus root 2, अगर मान लो कि अगर x की वैल्यू अगर आपको 3 प्लस 2 रूट 2 दी गई है और आपको फाइंड करना है कि x माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 3 की वैल्यू क्या आएगी, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको 1 अपॉन x सबसे पहले निकालना होगा, और जब हम 1 अपॉन x को फाइंड कर लेंगे तो ये क्वेश्चन काफी इजी होगा. तो 1 अपॉन x को फाइंड करने के लिए आपको पता है कि यहां पर 3 प्लस 2 रूट 2 ये आपको दिया गया है, तो इसको आपको क्या करना होगा, इसको आप रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज करने के लिए यहाँ पे 3 माइनस 2 रूट 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अगर आप ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आएगा आपका 3 माइनस 2 रूट 2, और यहाँ हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर होगा. अगर आप इसका 3 का स्क्वायर करते हैं और 3 माइनस 2 रूट 2, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 होगा, और 2 रूट 2, 2 का स्क्वायर 4, और रूट 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 2 होगा. तो अगर ये आ जाएगी पूरी वैल्यू हमारी 8, तो अब इसकी फाइनल वैल्यू आएगी हमारी 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 1. तो इस तरीके से आपने देखा स्टूडेंट्स की x और 1 अपॉन x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली. अब हम टोटल इस पूरे की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 3 लिखेंगे, और फिर x की वैल्यू हम लोग रखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाता है 3 प्लस 2 रूट 2, और इसके बाद हमारा माइनस ऑफ दिस, फिर ये 1 अपॉन x की वैल्यू रखी जाती है 3 माइनस 2 रूट 2 इसके पावर 3 होगा. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2 होगा, और इसके ऊपर पावर हमारा ये 3 हो जाएगा. इस तरीके से हम 3 और 3 कैंसिल कर देंगे, और लास्ट में हमारा आ जाएगा 2 रूट 2 प्लस दिस इज आवर 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 दोनों को ऐड करके पावर 3 करेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 4 रूट 2 इसके पावर 3 होगा. तो अगर हम इसको अगर हम पावर में करते हैं, चलिए हम यहाँ आपको बता देते हैं, यहाँ देखो तो ये आ गया आपका 4 रूट 2 का ये हमारा हो जाएगा पावर 3, तो 4 का पावर 3 और रूट 2 का पावर 3 होगा, तो ये 64 इंटू 2 इंटू रूट 2 होगा, तो ये हो जाएगा 128 रूट 2. ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सॉल्व करिए. चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे हमने ले रखा है, इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम आपको बताते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो अगर आपको अगर ऐसे दिया गया है तो लॉ ऑफ इंडिसेस को हम लोग यूज करते हैं. जैसे अगर ए टू दी पावर को माइनस एम दिया गया है, तो आप इसको 1 अपॉन ए टू दी पावर एम लिख सकते हैं. दूसरा फॉर्मूला होता है कि अगर ए पावर बी का पावर माइनस 1 है, तो इसको अगर हमें प्लस करना होता है तो हम इसके फ्रैक्शन को चेंज कर देते हैं, तो ये हमारा फ्रैक्शन प्लस हो जाता है. इन्हीं फॉर्मूले को यहाँ पर हम यूज करके सॉल्व करेंगे. देखिए यहाँ पे 3/4 है, अगर हम 4/3 को 3/4 करेंगे तो इसका पावर प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 3/4 टू दी पावर 3, और ये हमारा हो गया यहाँ पर 3/4 टू दी पावर 7 इक्वल्स टू हमारा यह आ जाएगा 3/4 टू दी पावर 2x. अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में हम लोग ये यूज करेंगे कि a टू दी पावर m और a टू दी पावर n, तो ये हमारा आ जाएगा m प्लस n. इसको हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे इस लॉ को यूज करके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हमारा हो गया 3/4 टू दी पावर 3 प्लस 7 इक्वल्स टू 3/4 टू दी पावर 2x. तो अब देखो बच्चों यहाँ पर आपका 3/4 ये दोनों तरफ सेम हो गया, इसका मतलब ये जो इनके पावर्स उनको हम इक्वेट कर देंगे. तो इसलिए अगर हम इक्वेट करते हैं इक्वेटिंग द पावर अगर हम पावर को इक्वेट करते हैं तो हमको ये चीज देखने को मिलता है कि भाई 2x इक्वल्स टू हमारा ये 10 होगा. तो 2x इक्वल्स टू 10, और इस तरीके से हम यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, तो ये हमारा 10/2 होगा, और x की वैल्यू हमारी ये 5 आ जाएगी. तो कहने का मतलब ये हुआ कि x हमारा ये 5 ये इस हमारा आंसर हो जाएगा.
तो बच्चों हम आपको रिवीजन पार्ट टू में भी कल आपको और कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही लेकर के पूरे चैप्टर से समझा देंगे। बाकी उस वीडियो को देखते रहिए जो हमने आपको प्लेलिस्ट में दिया है। बाकी हम पूरे चैप्टर से आपको रिवीजन में ही ऐसे दो दो क्वेश्चंस लेकर के काफी प्रैक्टिस करा देते हैं, ठीक है।